क्या हो? सांप सूंघ गया क्या? है कोई शिरडी में काबिल आदमी जो किसी भी मुद्दे में मुझसे बहस करने की कुवत रखता हो? अगर उसने मुझे हरा दिया तो तुम लोग इस फकीर को अपने साथ लेकर जा सकते हो। इसने तो चालाकी से साईं के साथ बहस करने के लिए मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे? अंताजी, ये बहस क्या होती है? मुझे क्या पता अंताजी, हमें तो केवल सुनने की आदत है। तुम में से कोई नहीं है इस लायक? क्या तुम किसी को नहीं जानते? होगा तो मिलेगा ना, इसी ऐन वक्त पे अक्ल मारी जाती है, इसलिए कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूं तुम लोगों को, ये सोचने के लिए भी और शिरडी से किसी को बुलाने के लिए भी। मेरे साथ बहस और तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है। सोच लो, अगर वो मुझसे जीतने में कामयाब रहा तो तुम्हारे इस साई को जाने दूंगा मैं। और अगर वो हार गया या फिर तुम लोग किसी को लाने में नाकाम रहे तो फिर तुम लोग बिना साई के शिरडी वापस चले जाओगे। और आइंदा से मुझे परेशान करने की कोशिश भी नहीं करोगे। ए फकीर, चल, अब मेरे खाने का वक्त हो गया है। सामा, मुझे पता है कुछ नहीं खाया है तुमने। लो, खा लो। ए फकीर, उससे बात करना बंद कर और उस औरत को कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने हुक्म दिया है, हुक्म की तामील कर। इधर आ और चल, मेरे खाने का इंतजाम कर। कल किसी बेवकूफ को बहस में हराना है। मुझे माफ कर देना भाई सामा। दिलावर एक अच्छा वक्ता है या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें इस बात से मतलब है कि हमें एक अच्छा वक्ता, एक ज्ञानी व्यक्ति चाहिए हमारे बीच में, जो उस दिलावर से बहस करके उसे इस बहस में हरा सके। पाटिल जी, आप ही बताइए, क्या आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है? मैं ऐसे दो चार लोगों को जानता हूं, लेकिन वो शिरडी से नहीं है। और दिलावर ने साफ साफ कहा है कि वो आदमी शिरडी का ही होना चाहिए। शिरडी के तो लगभग सभी लोग यहां मौजूद हैं और हम सब मदद के लिए साईं की तरफ देखते हैं, तो फिर हम उस दिलावर को बहस में कैसे हरा सकते हैं? फिर भी हम हार मानकर तो नहीं बैठ सकते ना, हमें किसी ना किसी को तो ढूंढ कर लाना ही होगा।
हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन इस समय हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो धार्मिक ग्रंथों को जानता हो, जिसने अपने व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस दिलावर जैसा देश भ्रमण किया हो। अब आप ही बताइए, क्या हमारे बीच ऐसा व्यक्ति है? मैं कैसे बहस कर सकता हूं उस दिलावर से? जब मैं साईं से मिला था तो मुझे लगा कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। गुरुजी, पूरी शिरडी में एक आप ही है जो इस योग्य है। आपसे विनती है, आपको हम सबके लिए करना ही होगा। हाँ गुरुजी, वरना हम साई को हमारे साथ शिरडी नहीं लेके जा पाएंगे। गुरुजी, आपके सिवाय और कौन है? वर्षों से आप मारुति मंदिर में हमें उपदेश देते आए, हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाते आए, और अब आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा साई से जुड़ी है। साई ने भी आपको ज्ञान दिया है, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। आप किसी भी तरह से उस दिलावर से उन्निस नहीं है गुरुजी। हम सब के खेवनहार आप हैं। शिरडी को आपकी जरूरत है गुरुजी। अपनी शरण में ले लीजिए साईं। नहीं देवीदास जी, सब लोग सन्यासी का जीवन व्यतीत करें जरूरी नहीं है। वैसे भी शिरडी को बहुत जल्द आपकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, मैं अपने साईं को बचाने के लिए उस दिलावर से बहस करूंगा। अपने शास्त्रार्थ का प्रदर्शन करूंगा। मैंने तो बहुत शास्त्रार्थ किए हैं। साईं ने कहा था कि एक दिन तुम्हारी आवश्यकता इस शिरडी को पड़ेगी। शायद वो समय अब निकट आ गया है। मैं बहस करूंगा उस दिलावर से। साई, मैं तुम्हें वापस शिरडी लाऊंगा। तो तू करेगा मेरा मुकाबला? तू? हाँ, मैं तुझे हराकर अपने साई को शिरडी वापस ले जाऊंगा। तेरी इतनी औकात कि तू मेरा सामना कर सके? हाँ, मेरे शागिर्द का शागिर्द है ना तू। अगर तेरी इतनी हिम्मत है तो ठीक है, लेकिन याद रख, अगर तूने मुकाबले में शिकस्त खाई तो उस फकीर की तरह मेरा शागिर्द बनके मेरी खिदमत करेगा तू। Oh.
मुझे स्वीकार है। मैं अपने साईं और शिरडी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन हार और जीत का फैसला करने के लिए कोई तो निर्णायक होना चाहिए ना। वैसे कुलकर्णी सरकार तो है नहीं यहाँ, उनके सेवक तो हम ही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम मजाक हो रहा है यहाँ ना मुरादो, तुम लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि गांव के सबसे बड़े दो बेवकूफ अक्ल के मुकाबले में मुंसिफ बनेंगे और मैं राजी हो जाऊंगा? सही कह रहे हो, हमें निर्णायक व्यक्ति की आवश्यकता तो पड़ेगी, जो जानकार हो और साथ साथ निष्पक्ष भी हो। पर ऐसा व्यक्ति हमें मिलेगा कहां? मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को। कौन है वो आदमी? दीवान साहब, बीजापुर के निजाम के दीवान हैं। और वो इस समय राता आए हुए हैं। उनके जैसा निष्पक्ष और ज्ञानी आदमी ही इस मुकाबले का निर्णायक हो सकता है, और मेरी उनसे जान पहचान भी है। आप जानते हैं उन्हें? मैंने भी बहुत सुना है कि बड़े निष्पक्ष इंसान है वो। अगर वो उस चीज के लिए मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी मुलाकात एक बार उनसे हुई है। दूर दूर से लोग उनके पास न्याय मांगने के लिए आते हैं। क्या उनके पास हम लोगों के लिए समय होगा? आप लोग बेफिक्र रहिए, मेरे अनुरोध पर वो जरूर आएंगे। मुझे जीतना ही होगा ताकि मेरे इल्म से बीजापुर के निजाम के दीवान मुस्तसिर हों। फिर मेरा मुस्तकबिल सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगा। दीवान साहब, शुरू किया जाए? जरूर। इल्म, बुद्धि और ज्ञान के इस मुकाबले में, इस बहस में मैं आप दोनों से एक प्रश्न करूंगा। इस प्रश्न का जवाब देवीदास जी आप और दिलावर अली जी आप दोनों ही बारी बारी से देंगे। जिसका भी जवाब बेहतर होगा, मैं यहां रखे हुए लड्डू में से एक लड्डू इस तराजू के उसके उस पलड़े में डाल दूंगा। लाल पट्टी का यह पलड़ा दिलावर अली जी का है और सफेद पट्टी का यह पलड़ा देवीदास जी का है। यह प्रतियोगिता सूर्यास्त तक चलेगी। सूर्यास्त के वक्त जिसका भी पलड़ा भारी होगा, वजनी होगा, वही विजयी घोषित होगा। आप दोनों को मंजूर है? जी, मुझे स्वीकार है, मुझे मंजूर है। तो ठीक, तो मेरा पहला प्रश्न है। रुकिए,
मेरा पहला सवाल, हमने जन्म लिया है जीने के लिए, तो मेरा पहला सवाल उसी से संबंधित है, उसी से जुड़ा है। क्या जिंदगी जीने का कोई सही तरीका है? जी, जीवन जीने का सही तरीका वो है जो ना केवल अपने जीवन बल्कि जीवन के हर रूप का सम्मान करे, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति का भी ख्याल रखे, उस समाज की उन्नति के साथ साथ पशु पक्षी और सारे जीवों का ख्याल रखे। अपने और दूसरे के बारे में सोचने से पहले हमें उसे याद करना चाहिए जिसने हमें बनाया है। दिन रात, जमीन आसमान, जन्नत और जहन्नुम, इस दुनिया में हम जो भी देखते हैं सब कुछ उसी ने हमें दिया है। जिंदगी वही है जो उस खुदा के सजदे में गुजरे, जिंदगी वही है जो हर वक्त खुदा के शुक्रगुजार हो और उसकी इबादत करते हुए बीते। बहुत खूब, माशाल्लाह। आप दोनों की बातें सुन करके ऐसा लगता है कि सभी मजहब अच्छाई सिखाते हैं, सभी मजहब नेकी सिखाते हैं। अच्छा लगा। अब मेरा अगला सवाल है, हर मजहब में गुरु या मुर्शिद दोनों की अहमियत बताई गई है, पर कोई कैसे पहचाने कि कोई गुरु सच्चा है या नहीं? सच्चा मुर्शिद वही है जिसकी तरफ उसके शागिर्द खुद ब खुद खींचे चले जाएं, जिसे देख के न इंसान उसकी अच्छाई के बारे में सोचे और ना ही उसकी बुराई के बारे में। सच्चा मुर्शिद वही है जिससे मिलकर ये लगे कि अगर इसकी पनाह न मिली तो जिंदगी कभी भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी हर बात हुक्म लगे और उसे पूरा करना मकसद बन जाए। और देवीदास जी, आप? सबको अपने रास्ते खुद ही तलाशने होते हैं, मंजिल एक हो फिर भी सबको सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं रहा जा सकता, भले ही वो हमारा गुरु ही क्यों ना हो। जो कभी कहे नहीं, जो कभी जताए नहीं कि वो कौन है और क्यों है, जिनके पास आने से सुख की अनुभूति होती हो और उनके अनुभव से
मन के अंदर का अंधकार दूर होता हो। मेरे लिए वही गुरु है, और गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को कभी बांध कर ना रखे। उसे मुक्त रखता हो, उसे आजाद रखता हो, मेरे लिए वही गुरु है। गुरु वो है जो अपने शिष्य को ना कभी अच्छा कहे और ना कभी बुरा कहे। गुरु वो है जिसके मन में अपने शिष्य के लिए करुणा हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो और संवेदना हो। गुरु वो है जिसे कभी डर न लगे, लेकिन श्रद्धा से शिष्य का शीश गुरु के चरणों में अपने आप झुक जाए। गुरु वो है जो अपने शिष्य के हर सुख दुख को महसूस कर सके। गुरु वो है जिसके संगत में कड़ुए से कड़ुआ सच बोलने में और उसे स्वीकार करने में संकोच ना हो। जिस व्यक्ति की शरण में ऐसी स्वतंत्रता का आभास हो, वही सच्चा गुरु है। मेरा अगला प्रश्न ये है, मेरा अगला सवाल है, यदि जीवन को बेहतर बनाना हो, उसके लिए यदि कोई चीज बदलनी है तो वो चीज क्या हो सकती है? देवीदास जी आप बताइए। गरीबी, अगर गरीबी दूर होगी तो इंसान किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। गरीबी दूर होगी तभी लोगों में बराबरी की भावना होगी, और जहां बराबरी हो वही दुनिया अच्छी दुनिया। अब आप बताइए दिलावर जी, बराबरी, क्या सिर्फ गरीबी दूर करना बराबरी के लिए काफी है? नहीं, दुनिया बराबर और बेहतरीन तभी हो सकती है जब किसी भी इंसान में कोई खौफ न हो। जहां खौफ है वहां बराबरी नहीं हो सकती।
मिट्टी या सोना? एक मुट्ठी मिट्टी और एक मुट्ठी सोना, दोनों की कीमत का अंदाजा लगाएं तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। कीमत तो हवा की कुछ भी नहीं है, तो क्या इसका मतलब हवा अमूल्य नहीं है? इसी तरह है सोना और मिट्टी। सोने पे पौधा नहीं उगता है, लेकिन मिट्टी से जीवन उपजता है। और मिट्टी ही है जिसमें एक ना एक दिन सारा जीवन समाहित हो जाता है। अब मेरा अगला सवाल है, इंसान के लिए किस चीज से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल भरा है? देवीदास जी, आप कलंक। कलंक दूसरे मनुष्यों के द्वारा लगाया जाता है और वो कलंक दूसरे इंसान की सोच से विस्फोटित होता है। वो कलंक वही छुड़ा सकता है और जो चीज कोई और लगाए उसे हटाना तो मुश्किल होता है। किसी दूसरे की सोच पर भला कोई नियंत्रण कैसे पाए? बचपन की यादें खुद को ये समझाना आसान है कि किसी और की सोच पे हमारा अख्तियार नहीं है, लेकिन जो चोट एक बच्चे की सोच पे लगती है उस चोट को कैसे मिटाए कोई? अपनी ही यादों को कैसे मिटाए कोई? मिटा सकता है कोई? सूर्यास्त लगभग होने को है और दोनों का ही पलड़ा लगभग बराबर है। अब मेरा आखिरी सवाल है। इस सवाल का जवाब जो भी सही सही देगा वही इसका विजेता होगा। नहीं, ईश्वर मेरे साथ इतना निर्दयी, इतना कठोर नहीं हो सकता। वो फिर से मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं होने देगा। क्या आपने किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है लेकिन आपको उसके लिए कोई आत्मग्लानी नहीं है? जी, मेरा एक शिष्य था जिसके साथ मैंने बहुत ही कठोर व्यवहार किया, अपने शिष्य दामोदर के साथ। उसके साथ सख्ती की थी मैंने एक बार, जिसका दुख है मुझे। मैंने इसलिए किया था ताकि वो अपने जीवन में कुछ बन सके। आप मुझे निकाल रहे हैं यहां से? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं दामोदर, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, जिससे तुम नया मार्ग ढूंढ सको। आज मैंने साईं से जाना कि मुझमें गुरु बनने की योग्यता नहीं है, तो भला मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकता? ईश्वर की कृपा से अब वो सही जगह पर है और वो अपने कार्य में खुश है, इसीलिए मुझे कोई ग्लानि नहीं है।
और दिलावर जी आपका क्या कहना है? ये आखिरी सवाल है और दीवान को अपना कायल बनाने का आखिरी मौका। एक नहीं, बहुत बार मेरी जिंदगी में मेरे कई शागिर्द रहे हैं और उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें लायक बनाने के लिए जितनी सख्ती मुझे करनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा सख्ती की है मैंने। मेरा एक शागिर्द था जबुलानी, जब भी वो गलती करता था उसे गन्ने से पीटता था मैं, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं उसके भलाई के लिए ही ऐसा कर रहा। मेरा पीटना बेकार नहीं गया, दोबारा उसने एक भी गलती नहीं दोहराई। और मेरा खास शागिर्द बोरू, जो मेरा सबसे काबिल शिष्य था, कई रात मैं उसे खाने के लिए तरसाता रहता था, उसे खाना भी नहीं देता था। और आखिर में वो इतना उसूलों पे अमल करने वाला बन गया कि मेरी इजाजत के बगैर वो कुछ भी नहीं करता था। हड्डियों को जमा देने वाली सर्द रातों में मैं उसके ऊपर ठंडा पानी डालता था, उसका मासूम चेहरा देखना चाहिए था, लेकिन जो भी मैंने किया उसकी बेहतरी के लिए किया। फिर गम क्यों, उसे जब मुझे छोड़कर जाना भी था तो भी उसने मुझसे इजाजत मांगी थी। उस्ताद का सख्त होना निहायत ही जरूरी है। मेरे उस्ताद भी मेरे साथ बहुत ज्यादा सख्ती बरतते थे, वो अक्सर मेरे बालों को खींचते थे। एक मर्तबा ईद के मुबारक मौके पे मैंने लड्डू सी भरी थाली को छू दी तो मेरे उस्ताद ने उस लड्डू से भरी हुई थाली को मेरे ऊपर फेंक दिया और मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीटते हुए वहां से ले गए। अगर आंखों में ही रुकी रहे तो कांच बन जाती हैं ये बूंदें। आज बह निकली हैं, बह जाने दीजिए। इंसान जब सबके सामने रोने की हिम्मत पा लेता है तो समझ लेना कि वो सबके सामने अपने किसी भी सच को स्वीकार करने की हिम्मत पा चुका है। दिलावर जी का क्रूर चेहरा सभी ने देखा, लेकिन इस क्रूरता के पीछे दिलावर जी क्या छुपा रहे हैं ये कोई नहीं देख सका। उठिए, हम सभी में कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां, कुछ दोष होते हैं। कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया को दिखाई देती हैं, और कुछ ऐसी
जिन्हें हम खुद भी देख नहीं पाते हैं। अगर हमें दूसरे की कमियां दिखाई दें, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। अपना सच दूसरों के सामने लाने के लिए हिम्मत ही नहीं, विश्वास भी चाहिए। ये विश्वास कि हमारा सच जानकर लोग हमारा मजाक नहीं बनाएंगे, घृणा नहीं करेंगे हमसे, हमारे सच को अच्छाई और बुराई के तराजू में नहीं तौलेंगे वो। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं बंधनों से आजाद हो रहा हूं। अपने इन सफेद दागों को लेके अब मुझे कोई परेशानी नहीं है साईं, कुछ भी नहीं। तूने क्या किया साईं, क्या किया? तू अपने सामान के साथ वहां पड़ा रह सकता है, जा और जाके वहां बैठ जा। चल जाके अपना काम कर। ए! दिन भर लकड़ी बीनता रहेगा तो खाना कब बनाएगा? पीछे, मेरे पीछे आ। मैं तुम्हारे साथ बेरुखी से सख्ती से पेश आता था, यहां तक कि मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं बल्कि तुम्हारा मालिक बन बैठा था, इसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। सच तो ये है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि वही सबका मालिक है, सबका मालिक और उसी मालिक की रजा है कि हम दोनों मिल सके। मुझे माफ कर दो साईं, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती करता रहा और तुम फिर भी मुझे गलत रास्ते से खींच कर सही रास्ते में लेके आए। इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा साईं। ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखा, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए, बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए, कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं सब लोगों से मैं माफी मांगता हूं।
मैंने आपके साई को आपसे दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं भूल गया कि आप लोगों ने मुझे पहले दिन ही कहा था साई और शिरडी एक है, और वही हुआ। माफ कर दीजिए मुझे। ऐसा लगता है कि अब यहां मेरी कोई जरूरत नहीं रही। साई, अब तो तुम हमारे साथ वापस चलोगे ना? हाँ लक्ष्मी, अब मैं शिरडी लौट सकता हूं, द्वारका माई में रह भी सकता हूं मैं, लेकिन क्या मेरे शिरडी वापस लौट आने के बाद कोई दूसरा दिलावर अली शिरडी में नहीं आएगा? क्या शिरडी के लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए, अपना भाग्य बदलने के लिए परिश्रम के बजाय टोने टोटकों पर विश्वास करना छोड़ देंगे? जब से दिलावर अली जी द्वारका माई में आए, बड़ी खामोशी से शिरडी वासियों को देखता रहा मैं, हाथ दिखाने में या अपने भाग्य जानने की उत्सुकता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये तो सब में होती है। बुरा तो तब होता है जब हम खुद में विश्वास करना छोड़ देते हैं, अपनी मान्यताओं को त्याग देते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे विचारों की अच्छाई बुराई में है, तुम्हारे पुण्य में है, तुम्हारे प्रायश्चित में है, टोने टोटकों में नहीं। लोगों ने ये सब जानते हुए भी अपनी समझदारी के बजाय दूसरे लोगों पर भरोसा किया, जानते हो क्यों? क्योंकि उनमें श्रद्धा और सबूरी दोनों की कमी थी। कोई अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा, किसी ने मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए परिश्रम के बजाय टोने टोटके को अपनाया, क्या छोटे रास्ते पर चलकर जीवन का लंबा सफर तय किया जा सकता है? क्या कोई अपनी किस्मत को चकमा दे पाया है कभी? ये जीवन हमें सुख और दुख दोनों के साथ ही मिलता है, अगर इनसे भागोगे तो जीवन का अनुभव अधूरा ही रह जाएगा। और ऐसे ही कोई ना कोई दिलावर अली तुम्हारी बेसब्री का, तुम्हारे सब्र ना रखने का फायदा उठाता रहेगा। साई, हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। हमसे गलती हो गई साई, हमें क्षमा कर दीजिए। और लक्ष्मी तुम, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि दिलावर जी का सम्मान करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। किसी का भी उसके रंग ढंग, उसकी वेशभूषा के लिए मजाक नहीं बनाना चाहिए। मुझसे गलती हो गई साई, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। साई, हम सबके भूल चूक को माफ कर दो साई, और सब पे करम करो, क्योंकि शिरडी को उसका साई वापस मिल जाएगा, और साथ में मेरा रास्ता और मंजिल भी। तुम हमेशा तारीफ करते थे ना कि मैं कुरान पढ़ लेता हूं, बहुत अच्छी बातें कह लेता हूं। साई, तुम्हारी उसी सलाह पे मैंने ये फैसला किया कि मैं अब सबसे अच्छा उस्ताद बनूंगा, और मदरसे में बच्चों को तालीम दूंगा, उनकी परवरिश करूंगा, ताकि वो बेखौफ मुझसे इल्म हासिल कर सके। ये तो बहुत खुशी की बात है, इस बात पर मुंह तो मीठा किया जाना चाहिए,
नहीं साईं, लड्डू मैं बांटूंगा अपने हाथों से। शायद मैं जरूरत से ज्यादा खुश हो गया हूं, अपने हद को भूल गया हूं। कोई मेरे हाथों से क्यों खाने लगा? दिलावर जी, दीजिए हमें मिठाई दीजिए ना। आज तक मेरे सफेद दागों की वजह से मुझे कहीं अपनाया नहीं गया, पर इन लोगों ने मुझे अपनाने में बिल्कुल संकोच नहीं किया।